अकॉर्डिंग टू कायरा हमारी इस हैप्पी लाइफ में किसी तीसरे की जरूरत नहीं। हमें ना अब कायरा को सब सच बता देना चाहिए। हम शाहरुख के फैंस को एक अहम खबर बताने जा रहे हैं और वो ये है कि हेमा ने ही किंग खान शाहरुख खान को पहली बार ब्रेक दिया था। वहीं वो एक बात से काफी नफरत भी करती हैं। दरअसल करियर के शुरुआती दौर में शाहरुख खान ने एक ऐसी फिल्म की थी जिसकी निर्माता निर्देशक लोकप्रिय हेमा मालिनी थी। मुंबई आने के बाद शाहरुख खान को फिल्म करने के जो पहले ऑफर मिले हैं उनमें से एक हेमा मालिनी निर्देशित फिल्म दिल आशना भी थी। हेमा इस फिल्म की निर्माता और निर्देशक दोनों ही थी। हालांकि शाहरुख इस फिल्म के लिए उनकी पहली पसंद नहीं थे, लेकिन जब दूसरे कलाकारों से बात नहीं बन पाई तो उन्होंने शाहरुख को लेकर ये फिल्म बनानी शुरू की। कहा जाता है कि हेमा मालिनी शाहरुख के बोलने के स्टाइल और उनके बालों से बहुत ज्यादा चिढ़ती थी। बाद में उन्हें उनके बोलने का स्टाइल तो भा गया, लेकिन वो हमेशा ही शाहरुख के बालों के पीछे पड़ी रहती थी। शाहरुख ने एक बार इस बात का जिक्र भी किया था कि वो जब पहली बार हेमा मालिनी से फिल्म के सिलसिले में मिलने गए थे तो हेमा ने उनसे कहा था कि उन्हें शाहरुख की नाक बहुत अच्छी लगती है। धर्मेंद्र की मौजूदगी में हुई इस बातचीत में हेमा ने शाहरुख से कहा कि तुम अच्छे एक्टर बन सकते हो, लेकिन तुम्हें अपने बाल कटवाने होंगे, ये बाल बहुत ही अजीब हैं। शूटिंग के लिए जब हेमा शाहरुख के हेयर स्टाइल से खुश नहीं हुई थी तो उन्होंने खुद शाहरुख के बाल बनाए थे। बाद में हेमा मालिनी की सोच में काफी बदलाव आ गया था और शाहरुख खान ने भी अपने लंबे बालों की वजह से एक के बाद एक कई हिट फिल्में दी थी। बॉलीवुड की कई बड़ी फिल्मों को लेकर जबरदस्त चर्चा है, वहीं सलमान खान भी एक और शानदार फिल्म लेकर आ रहे हैं। हम भारत नहीं बल्कि उनकी होम प्रोडक्शन फिल्म की बात कर रहे हैं। ये फिल्म और कोई नहीं बल्कि नोटबुक है। ये वही फिल्म है जिसमें सलमान अपने दोस्त मोहनीश बहल की बेटी प्रनूतन का डेब्यू करवा रहे हैं। इसी फिल्म से एक न्यू कमर एक्टर जहीर इकबाल भी फिल्मों में एंट्री लेने जा रहे हैं। हाल ही में खबर आई है कि इस फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है। नितिन कक्कड़ के निर्देशन में बन रही फिल्म नोटबुक कश्मीर की पृष्ठभूमि पर आधारित एक लव स्टोरी है। बताया जा रहा है कि फिल्म की पूरी शूटिंग कश्मीर में ही होगी। फिल्म में प्रनूतन और जहीर की फ्रेश जोड़ी देखने को मिलेगी। दिलचस्प बात ये भी है कि सलमान अपने प्रोडक्शन हाउस की फिल्मों में गेस्ट अपीयरेंस देते नजर आ जाते हैं। वहीं माना जा रहा है कि वो इस फिल्म में भी नजर आ सकते हैं। वहीं बताया जा रहा है कि ये फिल्म 2019 तक रिलीज के लिए तैयार हो जाएगी। सैफ अली खान और करीना कपूर 6 साल पहले शादी के बंधन में बंध गए थे। साल 2012 में करीना ने अपने से 10 साल बड़े और 2 बच्चों के पिता सैफ से पहले कोर्ट मैरिज की, फिर रिसेप्शन पार्टी दी थी। सैफ और करीना की शादी को देखकर लगा था कि इस कपल को उनका प्यार बड़ी आसानी से मिल गया, लेकिन ऐसा नहीं था। करीना और सैफ दोनों को हर प्रेमी जोड़े की तरह बहुत इम्तिहान देने पड़े थे। करीना ने एक इंटरव्यू में खुद इस बात का खुलासा किया था। उन्होंने बताया था कि सैफ से शादी करने के लिए उन्होंने घर से भागने का प्लान बना लिया था। करीना ने कहा था, हम अपनी प्राइवेसी को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। इतना ही नहीं, हमने अपनी फैमिली को धमकी तक दे दी थी कि अगर हमारी शादी मीडिया का सर्कस बनी तो हम घर से भाग जाएंगे। करीना ने कहा था कि हर कोई हमारे बारे में छोटी छोटी खबर भी जानना चाहता था। हमने कोर्ट मैरिज की और छत पर आकर मीडिया को संबोधित किया। शादी से पहले करीना और सैफ लिव इन में रहे थे, फिर 5 साल के रिलेशनशिप के बाद शादी के बंधन में बंधे। करीना ने शादी से पहले सैफ के सामने एक शर्त भी रखी थी। इस बात की जानकारी भी करीना ने एक इंटरव्यू में दी थी। उन्होंने कहा, मैंने सैफ को अपना लाइफ पार्टनर इसलिए चुना था क्योंकि मैं एक सेल्फ डिपेंडेंट वुमन की तरह रहना चाहती थी। मैं शादी के बाद भी काम करना चाहती थी और सैफ ने मेरी ये बात मानी थी।
करीना से पहले सैफ ने 1991 में अमृता सिंह से शादी की थी। दोनों अपने घर वालों के रिएक्शन से डरे हुए थे, इसलिए दोनों ने छिपकर शादी कर ली थी। 13 साल तक एक दूसरे का साथ निभाने के बाद अमृता और सैफ 2004 में अलग हो गए। सैफ और अमृता के सारा और इब्राहिम नाम के 2 बच्चे हैं। अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज़ देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।